इस आदत से होता है फ्रस्ट्रेशन जो बाद में आपके कॉन्फिडेंस को भी चोट पहुंचाता है ये सोचकर हम काम को या तो पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं या उसको ओवर प्रिपेयर करने में लग जाते हैं लेकिन तभी कुछ और होता है और वो होता है इम्पोस्टर टेकओवर क्या आपको लगता है कि आप बाय बाइचांस सक्सेसफुल हो गए हैं बट आपके अराउंड आपसे भी बेहतर परफॉर्मर्स हैं और किसी भी वक्त कोई ना कोई आपको एक बहरूपिया साबित करके एक्सपोज कर देगा क्या आप अपनी एबिलिटीज और अचीवमेंट्स को हमेशा डाउट करते हैं चाहे दूसरे लोग आपकी तारीफ भी क्यों ना करें पूजा से मिलिए एक सक्सेसफुल लॉयर जो हमेशा से एक हाई अचीवर रही है और उसकी कई अचीवमेंट्स होने के बावजूद वो हमेशा अपने आप को नाकाबिल समझती है अनडिजर्विंग समझती है वो अपने काम में एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड सेट करती है और कभी भी रिजल्ट से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती है चाहे वो कोई भी केस जीत ले उससे यही लगता है कि वो बेहतर कर सकती थी अब कबीर से मिलिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने फील्ड में हाईली स्किल्ड है उसको एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज होने के बावजूद वो यही महसूस करता है कि उसे बहुत कुछ नहीं आता वो अपने फील्ड के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश में घंटों तक पढ़ता है रिसर्च करता रहता है लेकिन चाहे वो कितना भी सीख ले वो फिर भी एक बहरूपी की तरह ही फील करता है वहीं फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी तारीफ या प्रेयर्स को एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किल महसूस करते हैं और अपनी सक्सेस को अपने लक या फॉर्च्यून से रिलेट करते हैं ना कि अपनी काबिलियत और अपनी एक्सपर्टीज से अब प्रिया का अपने एक्म्प्लिशमेंट को एक्सेप्ट ना कर पाने की इन हो या कबीर को हमेशा सब कुछ ना जान पाने की इनसिक्योरिटी ये सभी इम्पोस्टर सिंड्रोम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं अगर इनमें से कोई भी स्टोरी आपको फमिलियर लगती है तो हो सकता है कि आप इंपोस्टर सिंड्रोम एक्सपीरियंस कर रहे हो आज डू मैन इवॉल्व में मैं अभिषेक आपको इस इंपोस्टर सिंड्रोम के फिनोमेना को गहराई से समझाऊंगा और अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक तो प्रॉमिस करता हूं आपको कुछ इजी टू इंप्लीमेंट टिप्स दूंगा जिनको प्रैक्टिस करके आप खुद को इस सिंड्रोम से बचा पाएंगे me, आप उसको मिस नहीं करना चाहेंगे तो वीडियो को बिना सुनिए और समझिए इम्पोस्टर सिंड्रोम पांच टाइप्स का होता है जिनको हम एक एक करके समझते हैं पहला सुपर हीरो इम्पोस्टर इसमें आप अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह महसूस करते हैं और फिर ज्यादातर खुद से स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उससे होता है स्ट्रेस जी हाँ जैसे अगर आप एक छोटा सा काम भी कर रहे हो तो सोचते हैं कि सब कुछ आप ही कर लें क्योंकि आप तो एक सुपर हीरो हैं पर अगर उस काम में सक्सेस नहीं मिली तब लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है अगला टाइप है नेचुरल जीनियस इंपोस्टर यहां पर आप खुद को एक नेचुरल जीनियस मानते हैं और जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो आप समझते हैं कि आपको सब आता है लेकिन यह एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है इमेजिन कीजिए कि आपने गिटार क्लासेस लेना शुरू किया और पहले ही कुछ अटेम्प्ट अगर आप अच्छे से गिटार ना बजा पाए तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए हैं पर यह सिंड्रोम फील आपको कुछ ऐसा ही कराएगा अब थर्ड है परफेक्शनिस्ट इंपोस्टर यहां पर आपको लगता है कि आपका हर काम परफेक्ट होना चाहिए लेकिन परफेक्शन में अक्सर इतना टाइम लग जाता है कि आप दूसरे कामों को मिस कर देते हैं कीजिए कि आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हर स्लाइड को ब्यूटीफाई करने के चक्कर में वो प्रेजेंटेशन ही टाइम पर सबमिट ना हो पाए अब हर काम को परफेक्शन तक ले जाकर करने की इस आदत से होता है फ्रस्ट्रेशन जो बाद में आपके कॉन्फिडेंस को भी छोड़ पहुंचाता है जबकि ये सिर्फ आपके मन का बनाया हुआ एक इंपोस्टर या बहरूपिया ही है फोर्थ होता है एक्सपर्ट इम्पोस्टर अब यहां आप खुद को कभी भी एक्सपर्ट नहीं समझते पर बनना जरूर चाहते हैं चाहे किसी भी फील्ड में आपको कितना भी नॉलेज हो एक्सपीरियंस हो आपको फिर भी बस यही लगता है कि एक्सपर्ट बनने की जर्नी अभी बहुत लंबी है और बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है आपके दिमाग में हमेशा यह डर रहता है कि लोगों को लगेगा कि आप बेवकूफ हैं कुछ नहीं जानते हैं जैसे अगर आप किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं और लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद आप गलत जवाब दे बैठेंगे जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है और लास्ट होता है सोलोविस्ट इंपोस्टर यहां आप अकेले काम करना पसंद करते हैं और हेल्प मांगने में हिचकिचाते हैं हेजिटेट करते हैं आप सोचते हैं कि अगर आप किसी से हेल्प या सपोर्ट लेते हैं तो लोग आपको कमजोर समझेंगे वीक समझेंगे लेकिन याद रखिए टीम वर्क और कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है आप अगर एक प्रोजेक्ट में अकेले काम कर रहे हैं और आपकी थोड़ी सी हेल्प अगर कोई कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है चलिए अब समझते हैं इंपोस्टर सिंड्रोम की स्टेजेस को और जानते हैं कि यह साइकिल कैसे फॉर्म होती है सब कुछ शुरू होता है पहली स्टेज यानी कि एक नए प्रोजेक्ट को लेने से यह वो टाइम होता है जब आप सोचते हैं यस आई कैन डू इट और इस एक्साइटमेंट में आप काम पर लग जाते हैं फिर आता है साइकिल का दूसरा स्टेज अब जब हम किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब कुछ एंग्जाइटी भी होती है कभी कभी हम सोचते हैं क्या मैं ये अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी ये सोचकर हम काम को करना या तो कंप्लीटली अवॉइड करने लगते हैं या ओवर प्रिपेयर होने लगते हैं फिर आती है तीसरी स्टेज जहां पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और तब थोड़ा सा रिलीफ और रिलैक्स आप फील करते हैं आप सोचते हैं आखिरकार काम खत्म हुआ लेकिन तभी कुछ और होता है जी हाँ दैट इज स्टेज फोर इम्पोस्टर टेक ओवर यहां हमको लगता है अरे मैं तो बस लकी था अगर कोई और होता तो मुझसे अच्छा कर लेता अक्सर यह सोच हमारे दिमाग में ही हमारी सक्सेस को लक से जोड़ देती है और खुद को उसका क्रेडिट लेने ही नहीं देती और यह जन्म देता है अगली स्टेज को जिसमें शुरू होता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डाउट एक्सेसिव एंग्जाइटी और खुद को एक बहरूपिया या इम्पोस्टर समझने का सिलसिला फिफ्थ स्टेज में यह साइकिल वापस शुरू हो जाती है और हमारा सेल्फ डाउट और एंग्जाइटी और ज्यादा बढ़ जाता है आपको लगने लगता है कि आपने जो कुछ अचीव किया है वो महज एक को था जिसका पर्दा जल्दी ही फाश हो जाएगा अब हमने ये तो समझ लिया कि इम्पोस्टर सिंड्रोम है क्या और होता कैसे है पर सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ ऐसे साइन या सिग्नल्स हैं जिनको हम अपने बिहेवियर में पहले ही नोट कर सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इतना ही कर लेने से समय रहते आप बच पाएंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम से चलिए जानते हैं कि इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं पहला होता है सीवियर सेल्फ डाउट या लो सेल्फ एस्टीम या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर थिंकिंग सेंस ऑफ ओवर अचीवमेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म या खुद को औरों से कम समझना भी इसका एक सिम्टम होता है स्ट्रेस एंजाइटी सेंस ऑफ शेम यहां तक कि डिप्रेशन भी इंपोस्टर सिंड्रोम का एक सिम्टम है अब आपको करना क्या है कि इंपोस्टर सिंड्रोम होने से ही पहले आप ना सिर्फ इसको समझ लें बल्कि इसे डिफीट भी कर पाए तो सबसे पहले तो जानिए उन सिग्नल्स को लाइक सेल्फ डाउट अपनी तारीफ से कंफर्टेबल ना हो पाना हर चीज को परफेक्ट बनाने की हद तक जाना एटसेट्रा और एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपको बॉदर कर रहे हैं कई लोग तो डिनाइल में ही जीते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता बिफोर दे बिकम क्लिनिकली सिक एंड नीड प्रोफेशनल हेल्प दूसरा अब देखिए परफेक्शनिज्म को आपको त्यागना पड़ेगा और यह समझना होगा कि अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया है तो दैट इज गुड इनफ और अब आप इससे ज्यादा टाइम और एनर्जी उसमें ना लगाइए बस इतना इंश्योर कीजिए कि परफेक्शनिज्म को कभी भी अपनी क्रिएटिविटी या ग्रोथ के आगे नहीं आने देना है तीसरा याद रखिए कि एट द द एंड ऑफ डे हम सब ह्यूमंस हैं, इंसान हैं और गलतियां हो सकती हैं छोटी छोटी गलतियां आपके करियर को डिफाइन नहीं करती और कमजोरियां तो हमारी ताकत से जुड़ी होती हैं सिर्फ चाहिए तो इतना कि कमजोरियों से हम कुछ सीखें और उन्हें इंप्रूव करें चौथा होता है टू सेलिब्रेट सक्सेस अब अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखिए और अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना सीखिए और फिर देखिए कि कैसे ये आपकी आदत आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है पांचवा है टॉक टू फ्रेंड्स एंड मेंटर्स इस तरह की सिचुएशंस में अपने क्लोज फ्रेंड्स वेल विशर्स या मेंटर्स से हेल्प लीजिए सपोर्ट लीजिए याद रखिए कि यह सिंड्रोम सिर्फ आपको ही परेशान नहीं कर रहा है बल्कि कई और लोगों को यह अपना शिकार बना चुका है और उनमें से कई तो इसको डिफीट भी कर चुके हैं तो उनसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने में कोई भी हेजिटेशन आपको नहीं रखनी चाहिए तो आज इतना कुछ इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको भी इस सिंड्रोम ने एट प्रेजेंट या इवन पास्ट में भी कभी अपना शिकार बनाया है मगर यह जाने कैसे वेल well, अगर आप अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ इस वीडियो में तो यह बोनस सिर्फ आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक क्विक लिंक एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का दिया है जिसको डाउनलोड करके आप पांच मिनट से भी कम में न सिर्फ ये जान लेंगे कि आप इंपोस्टर सिंड्रोम के शिकार हैं या नहीं बल्कि इसने किस डिग्री तक आपके बिहेवियर और डिसीजंस को इम्पैक्ट किया हुआ है ये टेस्ट लीजिए और आज के इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा अगर कोई फीडबैक या क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद दैट सेड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इस लर्निंग से यू विल अनलॉक द 2.0 यू मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ब्लूम एंड इवॉल्व यही नहीं आपके लिए मैंने इस वीडियो में रखा है एक बोनस जो पांच मिनट से भी कम में आपको हेल्प करेगा अब फर्स्ट कीजिए ऑफर्स कीजिए yeah